आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधी जानकारी देने वाला चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा। इस वीडियो में हम जानेंगे नेचुरल ब्लड प्यूरीफायर यानी कि खून को प्राकृतिक तरीके से साफ करने वाली और त्वचा की विकृतियों यानी कि त्वचा से संबंधित बीमारियों को दूर करने वाली दो आयुर्वेदिक औषधियों खदिरा रिष्ट और महामंजिष्ठ आदि क्वाथ के बारे में। इन दोनों दवाओं को कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है तथा यह दोनों दवाएँ अन्य कौन कौन से रोगों में उपयोगी होती है, इस बारे में हम जानेंगे तथा हम यह भी जानेंगे कि इन दोनों दवाइयों में से कौन सी दवा ज़्यादा उपयोगी होती है, ज़्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप मुझसे किसी बीमारी के संबंध में दवा संबंधी सलाह लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर मात्र 250 रुपये गूगल पे या फोन पे करके फिर अपनी समस्या मुझे बताकर मुझसे दवा संबंधी सलाह ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के विषय को और जानते हैं महामंजिष्ठ आदि क्वाथ और खदिरा रिष्ट के बारे में। खदिरा रिष्ट और महामंजिष्ठ आदि क्वाथ, ये दोनों ही आयुर्वेदिक औषधियाँ सिरप या लिक्विड फॉर्म में होती हैं तथा दवा दुकानों में आसानी से उपलब्ध होती हैं। खदिरा रिष्ट का मुख्य घटक खैर सार होता है। इसके अतिरिक्त इसमें देवदारू, दारू हल्दी, बाकुची, त्रिफला और चतुर्जात जैसी औषधियाँ मिली हुई होती हैं। इन सभी को मिलाकर इस खदिरा रिष्ट को तैयार किया जाता है। वहीं महामंजिष्ठादि क्वाथ में मुख्य घटक के रूप में मंजिष्ठा, इसके साथ साथ नागरमोथा, भारंगी, गिलोय, त्रिफला, मुरवा, वायुविडंग, विजयसार, अमलतास, अनंतमूल, पित्त पापड़ा, इस प्रकार की लगभग 45 प्रकार की औषधियों को मिलाकर महामंजिष्ठादि क्वाथ को तैयार किया जाता है। यानी कि अगर इंग्रेडिएंट्स के दृष्टिकोण से देखें तो महामंजिष्ठादि क्वाथ में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं और खदिरा रिष्ट में अपेक्षाकृत कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लेकिन कम इंग्रेडिएंट्स होने का मतलब यह नहीं है कि यह दवाई कम असरकारक होती है। और आइए अब जानते हैं दोनों दवा के उपयोग से होने वाले फ़ायदों के बारे में। खदिरा रिष्ट के प्रयोग से त्वचा में होने वाले विकार जैसे कि फोड़े, फुंसियाँ, खाज, खुजली और इनमें होने वाला जलन शांत होता है, ठीक होता है। और आयुर्वेद के अनुसार ये सारी बीमारियां हमारे रक्त के दूषित होने के कारण से होती हैं। रक्त के दूषित होने के कारण यह हमारे चमड़ी या मांस पर विकृति के रूप में दिखाई देता है। और महामंजिष्ठादि क्वाथ या काढ़ा तथा खदिरा रिष्ट का प्रयोग करने से हमारा ब्लड प्यूरीफाई होता है यानी कि रक्त साफ होता है और त्वचा संबंधी बीमारियाँ ठीक होती हैं, इनमें लाभ मिलता है। आयुर्वेद में इस प्रकार के रोगों को क्षुद्र कुष्ठ कहा गया है और आयुर्वेद के अनुसार ये सभी बीमारियाँ मुख्यतः रक्त के दूषित होने के कारण होती हैं। यानी कि हमारे रक्त में दोष उत्पन्न होता है तब ये बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। और इस खदिरा रिष्ट के प्रयोग से हमारा यह रक्त प्राकृतिक तरीके से साफ होता है, यानी कि यह नेचुरल ब्लड प्यूरीफायर की तरह वर्क करता है और हमारे रक्त के दोषों को दूर करता है और इसके कारण से हमारी त्वचा संबंधी बीमारियां या त्वचा संबंधी विकार दूर होते हैं। और ठीक इसी प्रकार से महारासनादि क्वाथ या काढ़ा भी कार्य करता है और वह भी हमारे त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी होता है, लाभकारी होता है, फायदेमंद होता है। महामंजिष्ठादि क्वाथ भी हमारे रक्त के दोषों को दूर करता है, रक्त को साफ करता है और रक्त संबंधित बीमारियों यानी कि त्वचा में होने वाली खाज, खुजली, फोड़े, फुंसियों की समस्या को दूर करने में उपयोगी होता है। तो इस प्रकार खदिरा रिष्ट और महामंजिष्ठादि क्वाथ दोनों ही हमारे शरीर के यानी कि स्किन डिसीज में उपयोगी होते हैं, लाभकारी होते हैं। लेकिन इसके लिए इन दवाओं के साथ साथ कई बार गंधक रसायन, कैसोर, गुग्गुल या आवश्यकतानुसार आरोग्य वर्धनी वटी का उपयोग भी आवश्यक होता है। और स्किन डिसीज में खदिरा रिष्ट का प्रयोग करना है या महामंजिष्ठादि क्वाथ का प्रयोग करना है और इन दोनों दवाइयों के साथ साथ और कौन सी दवा का उपयोग करना है, यह रोग और रोगी की अवस्था पर निर्भर करता है। अतः अगर आप किसी प्रकार की स्किन की समस्या से पीड़ित हैं तो इसकी जानकारी के लिए आप 250 रुपये पे करके सीधे मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कि यह त्वचा का विकार या त्वचा संबंधी विकार आखिर होता क्यों है या हमारा रक्त आखिर क्यों दूषित होता है। हमारे रक्त के दूषित होने और त्वचा संबंधी विकार का सबसे पहला और बड़ा कारण है हमारा गलत खान पान। ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा कड़वा, ज़्यादा कसैला वाला खाना खाना, पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, इन सभी को ज़्यादा मात्रा में खाना, ज़्यादा मात्रा में नॉनवेज खाना, प्रिजर्वेटिव मिला हुआ खाना, आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल फ्लेवर मिला हुआ खाना और वक्त बेवक्त पर खाना खाना, इन सभी कारणों से हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता है और हमारा रक्त दूषित होता है और दूषित रक्त के कारण से त्वचा संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं।
दिन भर कामकाज के दौरान पानी नहीं पीना या शरीर में पानी की कमी होने से भी हमारा रक्त दूषित होता है और त्वचा संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। धूल मिट्टी पसीना चिपचिपा मौसम इन सभी कारणों से भी त्वचा रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखने से भी इस प्रकार की समस्याएं होती हैं और ऐसे में फंगल इन्फेक्शन का भी चांस होता है जिससे त्वचा संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। रात में बहुत देर तक जागने से दिन में सोने से और हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण भी त्वचा संबंधी विकार होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन सभी कारणों से हमारा रक्त दूषित होता है और हमें त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं। लेकिन हम आयुर्वेदिक औषधियां खद्रारिष्ट और महामंजिष्ठादिक्वांत और उसके साथ कुछ अन्य औषधियों को लेकर इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और आइए अब जानते हैं खद्रारिष्ट और महामंजिष्ठादिक्वांत की सामान्य मात्रा के बारे में। खद्रारिष्ट और महामंजिष्ठादिक्वांत की सामान्य मात्रा एक सामान्य वयस्क के लिए 15 से 20 ml की मात्रा में होती है। इसे इतनी ही मात्रा में या 1 कप पानी में मिलाकर सुबह और रात में खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना चाहिए। और इन दवाओं को लेते समय हमें कुछ परहेज रखने की भी आवश्यकता होती है। इन दवाओं को लेते समय हमें अधिक तीखा कसैला कड़वा खाना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा तेल मसाले वाला भोजन नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का नशा जैसे कि शराब सिगरेट इन सभी से बचना चाहिए। साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और हरी साग सब्जियाँ फल फूल इनका अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। और आइए अब जानते हैं महामंजिष्ठादिक्वांत और खद्रारिष्ट दोनों में से कौन सा ज़्यादा प्रभावकारी होता है, कौन सा ज़्यादा गुणकारी होता है, यानी कि इन दोनों दवाओं में से कौन सी दवा ज़्यादा बेहतर होती है। महामंजिष्ठादिक्वांत में लगभग 45 प्रकार की औषधियाँ मिली हुई होती हैं और यह ज़्यादा तीखा और यह ज़्यादा कड़वा या ज़्यादा कसैला होता है। और वहीं खद्रारिष्ट में औषधीय घटक कम संख्या में होते हैं और यह महामंजिष्ठादिक्वांत की अपेक्षाकृत कम कड़वा या कम कसैला होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह दवा कम लाभकारी होती है। ये दोनों दवाइयां ही बराबर लाभकारी होती हैं, बराबर गुणकारी होती हैं और इन दोनों में से कौन सी दवा आपके लिए ज़्यादा गुणकारी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका रोग किस अवस्था में है, यानी कि आपके रोग की अवस्था के अनुसार ही आपको कौन सी दवा लेने से ज़्यादा फायदा होगा। यह आपके रोग की अवस्था पर ही निर्भर करता है। यानी कि यह दोनों ही दवाइयाँ लाभकारी होती हैं, दोनों ही दवाइयाँ गुणकारी होती हैं। अतः अगर आप किसी त्वचा संबंधी विकार से पीड़ित हैं तो आपको दोनों में से कौन सी दवा लेनी चाहिए तथा इन दवाओं के साथ तथा इस दवा के साथ और कौन कौन सी अन्य दवा मिलाकर लेनी चाहिए इस बात की जानकारी चाहते हैं तो आप 250 रुपये गूगल पे या फ़ोनपे करके सीधे मुझसे जानकारी ले सकते हैं या अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेकर इन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।